So now we are done with the CTET exam. Let's see, let's discuss environmental studies. हम देखते हैं कि क्या questions आपके पास आए हैं और क्या इनके correct answers हैं. देखिए sets अलग अलग numbers के साथ आपके साथ हैं, but questions सब में same हैं. अब इसमें हम देखते हैं EVS के questions जो आपको दिए हैं. Let's solve these questions. So it starts with question number 61, which is the most relevant to the midday meal time in school. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं midday meal की, हम बात कर रहे हैं. So याद होगा एक chapter था हमारे पास midday meal का, जहाँ पे हमने EVS में बात करी थी regarding कि क्या relevance होता है बच्चों की life के अंदर, क्यों midday meal, गुरुद्वारा meal, ये सब की importance क्या है. So, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें से जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है इट इज ए गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग. बहुत से बच्चे इसके आंसर ये दे रहे हैं कि चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक, ठीक है, बट गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि आप एक्चुअली इस चैप्टर को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी थिंक इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पेडागॉजी क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What does learning without burden in the context of environmental studies imply? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? The answer is अबोध का भार कम करने की जरूरत है. Load of incomprehension needs to be reduced. Next question. What purpose does group learning serve in EVS classroom? EVS कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? Manage students easily, reduce workload, boys and girls can learn separately. No. The answer is the fourth one. सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना is the right answer. Next, 64. बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप होता है building as learning aid. बिल्डिंग मीन्स योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको किस तरह से लर्निंग एड के रूप में यूज किया जा सकता है, दैट इज व्हाट बाला इज ऑल अबाउट. आपका फ्लोर कैसा है, आपकी वॉल्स को कैसे यूज करना है, स्टेयर केस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्लासरूम्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट से बन के आप सीखते हैं, प्लेवे मेथड सीखते हैं, तरह तरह के मेथड सीखते हैं बच्चों को सिखाने के लिए. सो बाला इज नथिंग बट बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम में सहायक है एक्चुअली आपको ये. 65. What do alternative frameworks mean? अब इस क्वेश्चन का आंसर एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं. So for this question, alternative frameworks का मतलब क्या होता है? Alternative frameworks का मतलब ये होता है जो रूटीन में साइंटिफिक प्रिंसिपल, मिसकंसेप्शन आप कह सकते हैं इसको, जो रूटीन में साइंटिफिक प्रिंसिपल के साथ एग्री नहीं करते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क. बच्चों के दिमाग में कई तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं रिगार्डिंग टू साइंस और वो जो हमारी स्टडीज होती हैं उसको शेपअप करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं. So the most appropriate answer what we think for this question is number 3. Ideas that differ from the formally accepted explanation of the concept, which are जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं. Next, 66. आयोग बताने की जरूरत नहीं है, इसका नंबर रहेगा 4. रूढ़िबद्ध धारणा है ये वुमेन्स को लेकर. 67. Location of Jammu and Kashmir and Goa with respect to Bihar in India. हमने क्लास में कई बार ये डिस्कस किया है कि अगर मैप पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो उन स्टेट्स से ही रिलेटेड होगा जिन स्टेट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं. हमने गोवा के बारे में भी पढ़ा है कोर्स में, बिहार के बारे में पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर के बारे में भी पढ़ा है. सो दी एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. नंबर 68. वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण, एवेपोरेशन. अगर आप चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एवोपरेशन स्लोएस्ट वहां पे होगा जहां पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे उसमें भी दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बोथ सर्फेस एरिया टेम्परेचर जब घट जाता है या सर्फेस एरिया बढ़ जाता है लेकिन टेम्परेचर घट जाता है. तो एक्चुअली जब सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा तो एवोपरेशन वुड बी द स्लोएस्ट. सो योर आंसर इज नंबर 3. सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है. 69. The ability to understand relative position of places, distances and directions is. स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, ऑफ कोर्स स्थान, दूरी, दिशा, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ
पोजिशन यानी कि पोजिशनल स्किल, स्थिति एक कौशल, नंबर 70। एनसीएफ के एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकल प्राधिकर्ता क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, कब की? एनसीएफ 2005 में करी। 71। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? आपने पढ़ा था, हमने सिक्किम के बारे में बात भी करी थी अपने क्लास के अंदर, तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 72। Which one of the following statement is not true for the hydropower generated for from river dams? नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे तीन स्टेटमेंट वो बोल रहा है सत्य हैं और एक स्टेटमेंट सत्य नहीं है। डैम्स डिस्प्लेस इंडिजिनस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफ, नो इट कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, गलत है ये। डैम्स एंकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, यस इट एंकरेजेस, इट डज नॉट पोल्यूट वाटर, यस। सो द फोर्थ ऑप्शन जो इसमें, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर ढूंढना है, ऑड वन आउट निकालना है, तो आंसर इज हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, दैट बिकम्स माय राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस? सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्रीन हाउस गैस और द गैसेस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज आर द वन हु यू नो क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। सो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होता है लेकिन वो मैनमेड होता है, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए ये नेचुरली जो एनवायरमेंट में गैसेज है वो सारी हैं। सो वाटर वेपर इज यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज यस, मीथेन इज यस, सो माई आंसर बिकम्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट इफेक्टेड बाय द मानसून? व्हाट इज अ कोल्ड डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट के बारे में आप अपने, तो स्टूडेंट्स हमने कोल्ड डेजर्ट के बारे में अपने जो सिलेबस के अंदर हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा हुआ है। सो इफ टॉक अबाउट दी लद्दाख पार्ट, देखिए मॉनसून क्या होता है, मॉनसून ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम दी कोल्डर रीजन टू अ हॉटर रीजन, सो उसका ट्रेवल पाथ इस तरह से चलता है। तो इफ टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोल्ड डेजर्ट्स आर वेरी हाई अल्टीट्यूड, ओके फाइन, कोल्ड डेजर्ट्स हैव हॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, तो मोस्ट लाइकली आंसर हमें इसमें लग रहा है दैट इज नंबर 3। Cold deserts lie in the rain shadow of the Himalayas. If we talk about specifically to Ladakh, जो जगह हमें कश्मीर में है, जो हमने particularly अपने syllabus में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं, number 75. Which one of the following is responsible for turning Taj Mahal yellow? Common question है, I hope mostly आप सब ने question ठीक किया होगा। Sulfur dioxide. Next 76, who built the Golconda fort? Golconda fort किसने बनवाया? It is from the Kakatiya dynasty, Kakatiya राजवंश द्वारा Golconda fort को बनवाया गया। Next question, what is the mass of an object with a density of 15 gram per milliliter and a volume of 3 ml? अब आपके ऑप्शंस आ रहे हैं 12 ग्राम, 18 ग्राम, 45 ग्राम और 5 ग्राम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है। सो द ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, सिंपल 15 ग्राम पर एमएल एंड वॉल्यूम ऑफ 3 एमएल दिया हुआ है, तो मास आपको निकालना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 3 45, तो द आंसर बिकम्स इज 45 ग्राम्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? वेक्टर, स्केलर, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेट, मास, आपका डायरेक्शन नहीं होगा तभी हम स्केलर की हम बात कर रहे हैं। सो वेट, मास, ग्रेविटी एंड मोमेंटम, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आपको ये बताना है। सो द आंसर हियर इज मास। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेस कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? उत्तल, अपारदर्शी, पारभाषी, पारदर्शी, सो द आंसर इज अपारदर्शी, ओपिक। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 केजी ऑन द मून सरफेस? 10 किलो अगर आप मून पे हैं तो आप अर्थ पे कितना होंगे? अगर हम कई बार मजाक में बोल देते हैं, क्लास में हमने बात करी है कि मून पे अगर आपका वजन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, मून पे जाइए हल्के हो जाएंगे आप, सो 6 गुना का डिफरेंस आ जाता है मून पे पहुंचते ही। तो अगर आप वहां पे 10 किलो हैं
तो जमीन पे अर्थ पे आते आते आप 6 गुना बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका वजन जो है वो 60 किलो हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक विलय का विघटन दर यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि वो डिसोल्यूशन एक सॉल्यूट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वही बात करें, आपको एक चीनी को ठंडे पानी में मिलाना है, चीनी को आपने गर्म पानी में मिलाना है, या कोई भी आपको डिसोल्यूशन करना है, तो क्या होगा? क्या वेट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, या सरफेस एरिया पे करेगा? द आंसर इज तापमान, टेम्परेचर। नंबर 82, सुषमा वांट्स अ स्टूडेंट टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू डू सो। सुषमा टीचर का नाम है, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के ऊपर अपने बच्चों को सेंसिटाइज करना चाह रही है। मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं। पोस्टर मेकिंग, ओके ठीक है, एक्टिविटी हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन ये भी हो सकता है, कंडक्टिंग एक्टिविट ये भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी की। सो इट इज हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर ए प्लांट। ऑफकोर्स वेन दे अडॉप्ट, वो एक पौधे को अगर अपनाएंगे, पोषित करने में मदद करेंगे, तो उनके अंदर एक भावना जागेगी कैसे हम पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। अवे आस्क स्टूडेंट्स टू डू अ सर्वे इन ग्रुप्स ऑन डिजीज दैट पीपल एंड देयर नेबरहुड सफर्ड फ्रॉम। सर्वे इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेवेंट फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। तो बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है, ये पाठ्य पुस्तक में नहीं है ऑफकोर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रैटेजी है, ये इन सारी स्ट्रैटेजी में से कौन सी ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी नहीं है। It helped the community understand the disease that they suffered from. It provided opportunity to interact with community. It helped children connect learning with real life. It enabled children to understand data handling and work together. हम क्या कह रहे हैं? हम डिजीज की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नेबरहुड में लोग डिजीज सफर कर रहे हैं, सर्वे करने को बोला जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, स्टूडेंट सर्वे से क्या होगा, कम्युनिटी तो अंडरस्टैंड नहीं करेगी डिजीज ऑफकोर्स। ना ही आप एक अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रन टू कनेक्ट विद लर्निंग विद रियल लाइफ बोल रहे हैं। नंबर आएगा 4, इट एनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर। नंबर 84, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव बताए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया यह जो सबसे उत्कृष्ट दृष्टिकोण कौन सा है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये कॉग्निटिव अप्रोच है, या ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच है, या ये इंक्वायरी अप्रोच है? करेक्ट आंसर नंबर 3 रहेगा, अनुभात्मक अधिगम दृष्टिकोण है यहाँ पे। आगे चलते हैं, नंबर 85, समुदाय यानी कि कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग सोर्स है। बिल्कुल है, क्यों है यही आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है, उनके पास समय है, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सो हेयर द आंसर बिकम्स, इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। नंबर 86, EVS टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड रिचिंग इन रिप्लाइज। EVS शिक्षण अधिगम के कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने, समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या है इनमें से बताना आपको? आपको पता है EVS इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट। हम क्लासरूम स्टडी पे ही सीमित नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बाहर हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस करके आ रहे हैं उसको। Going beyond curriculum, going beyond the textbook, linking textbook to global environment issues and concerns, whole school approach, of course number 3, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। नंबर 87, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि उनके दादा दादी व अन्य रिश्तेदार साथ रहे तो वह एक विस्तृत परिवार हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, परिवार की परिभाषा गलत है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। दी करेक्ट आंसर है, परिवार की जो अवधारणा है उसे इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चे के लेवल पे यही होता है, हम यही करते हैं क्लास में। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ज्वाइंट फैमिली क्या है, एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हम जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो यही आप पॉइंट इस पे आप एम्फसाइज करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पॉइंट नंबर 1। नंबर 88,
Which of the following is or are activity or activities in EVS classroom? टीचिंग लर्निंग एड्स याद करिए बैठक हो गई क्लास टीचिंग लर्निंग एड्स जब भी हमने पढ़ी है उसमें हमने बात करी है अलग अलग तरीकों की बात करी है ब्लैक बोर्ड ऑफकोर्स एक एक्टिविटी है यूज करते हैं लर्निंग एड की तरह पिक्चर रीडिंग ऑफकोर्स यस फील्ड विजिट ऑफकोर्स यस बोटानिकल गार्डन में जाना प्लांट्स इकट्ठे करना फोर्ट्स की विजिट करना हिस्टोरिकल बेसिस पे जाना दीज आर पार्ट ऑफ द फील्ड विजिट सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर नंबर 89 एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम मे लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज थीमेटिक इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव ऑल ऑफ द अबव विषयगत एकीकृत समावेशी उपयुक्त सभी आंसर इज उपयुक्त सभी नंबर 90 ये क्वेश्चन कालबेलिया वाले चैप्टर से आया है जो कि राजस्थान की कम्युनिटी और आपको पता है कि एनिमल कंजर्वेशन लॉस की वजह से अब कालबेलिया बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इसी पे ही ये एक सवाल है कि जो स्नेक चार्मर पे चैप्टर है इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही रहेगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है सो आई होप स्टूडेंट्स आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए सो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि ईवीएस में आपने कैसा स्कोर किया है एंड विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर सक्सेस आपका रिजल्ट अच्छा है आप सब इस पेपर को क्वालिफाई करें फिर आगे फर्दर अपने जॉब के पेपर्स को क्वालिफाई करें सो विश यू ऑल द बेस्ट एनी सपोर्ट यू एवर नीड फ्रॉम अस ईवीएस इंस्टीट्यूट आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए ईवीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी .ooo फेसबुक पेज है हमारा IBS रोहिणी ब्रांच वो ज्वाइन करिए अगर आप टीचिंग लाइन में जुड़े हुए हैं तो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप भी है जो प्राइवेट ग्रुप में हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो तो है ही है उसके अलावा आप अपनी ज्वाइन रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं इस ग्रुप के ऊपर आप सर्च करेंगे फेसबुक पे आपको ग्रुप मिल जाएगा हमारा एक आप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज दीजिए आप इस कम्युनिटी का पार्ट हो जाएंगे और जितनी भी जानकारी टीचर ट्रेनिंग एग्जाम से रिलेटेड होती है वो सबसे पहले इस ग्रुप पे पोस्ट की जाती है